शहबाज शरीफ मफरूर मुजरिम से मशवरा करे, सदर आरिफ अलवी अपने पार्टी सरबरा से क्यों नहीं, अहम तैनाती पर सदर मुमलिकत से राबते हैं, मशवरा भी होगा, चेयरमैन पीटीआई का इंटरव्यू, कहा आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है, 12 जमातों का फौज को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नया आर्मी चीफ कौन होगा, समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला ना कर सकी, वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने एक दो दिन का कहकर जान छुड़ा ली, बोले उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। अहम तैनाती का सारा बोझ वज़ीर आज़म के कंधों पर लाद दिया गया, इत्तेहादियों ने दामन छुड़ा लिया, इत्तेहादी पार्टी सरबराहान और रहनुमाओं का आईन और कानून के मुताबिक तकर्रुरी का अख्तियार इस्तेमाल करने का मशवरा, रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म का साथ देने का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, ज़राए के मुताबिक अहम तकर्रियों से मुतालिक कवायद में मुजवज़ा तरमीम से ज़ेर-ए-ग़ौर आएगी, क्या आर्मी एक्ट से मुतालिक इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। छब्बीस नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा, इमरान खान की जमान पार्क में गुफ्तगू, कहा इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है, आवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है, मजीद कहा किसी मुल्क से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं, साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया, इबहाम कैसे रह गया। हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ देने की तैयारियां तेज़, पीटीआई कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत, इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक रबते किए, इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे, कितने रोज़ क़याम होगा इसका फ़ैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वज़रा टेंट सिटी की मेज़बानी के जिम्मेदार होंगे, सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज़ कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत, जमान पार्क में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत। एक मरतबा फिर डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, नतायज खतरनाक होंगे, असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी, बोलियों से गुफ्तगू में कहा आहिस्ता आहिस्ता रुपया कमज़ोर हो रहा है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। आज़ाद सहावत कलमबरदार बोल नहीं मानेगा हार, दबाव पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार, बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज की पुकार, दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार, बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म, हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल, प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना छुपने का आज़म। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल न्यूज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम हमेशा उसने हक और सच की आवाज़ उठाई है, हम उसको देखते हैं, हम उसके व्यूअर हैं। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत, GHQ में यौम शौदा और दिफा की पुरवक़ार तकरीब, शौदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, सलामी दी, सैलाब में पाक फ़ौज के जवानों की खिदमात पर दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई, रवां साल बदतरीन सैलाब के बायस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब को मुलतवी कर दिया था। मुल्क में मौसम सरमा के आते ही गैस बहरान मजीद संगीन हो गया, मुख्तलिफ शहरों में गैस की 12 से 16 घंटे की गैर ऐलानिया बंदिश मामूल बन गई, लकड़ियों की मांग बढ़ने से कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में टारगेट किलिंग, एक शख्स जान की बाजी हार गया, मकतूल मोहम्मद मकबूल बादामी को 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने कत्ल किया, मुलजमान फरार, पुलिस ने शवाहद जमा कर लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट, 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने हरा दिया, जापान ने कांटेदार मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया, दिफाई चैंपियन फ्रांस ने भी अपना मैच जीत लिया, स्पेन ने कोस्टारिका को बासानी 7-0 से मात दे दी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में डिजिटल मीडिया के दौर में आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।